जौनपुर 25 मई सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के पोटरिया गांव में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने आधा दर्जन बाहरी लोगों की सह पर आलमगीर वैसरार अहमद के घर पर हमला बोल दिया। घुसकर बच्चों महिलाओं पर लाठी डंडा रॉड से जानलेवा हमला किया। महिलाएं अचेत होकर गिर पड़ी, फिर भी मनबड़ उन्हें पीटते रहे, तोड़फोड़ कर सामान क्षतिग्रस्त कर दिया। घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उक्त गांव में रविवार की देर शाम दबंगों ने आधा दर्जन बाहरी बदमाशों के साथ इशरार अहमद अंसारी व आलमगीर अंसारी के घर पर करीब आधे घंटे अराजकता का नग्न तांडव किया। पुरुषों बच्चों व महिलाओं की बर्बरतापूर्ण पिटाई की। इशरार अहमद व उनकी पत्नी किताबुल निशा बेटे अंसार अहमद, शमशेर फुरकान अबुल सहमा पुत्र अंसार अहमद व हकीकुल निशा पत्नी शमशेर आलमगीर के बेटे सहबान बेटी नाजरीन को पीट कर लहूलुहान कर दिया। महिलाएं मूर्छित होकर गिर पड़ी, फिर भी मनबड़ उन्हें लाठी से पीटते रहे और हमलावार के परिवार की महिलाएं उनके घर की महिलाएं बाहरी बदमाशों की पहचान छुपाने के लिए लोगों की आंख में लाल मिर्च का पाउडर फेंक रही थी। ग्रामीणों की सूचना पर SHO संजीव मिश्र ने हल्का दरोगा राम सुंदर व दो सिपाही को तत्काल मौके पर भेजा। घर पहुंचे दरोगा ने पीड़ित पक्ष की महिलाओं को नाटक करने का आरोप लगाते हुए भद्दी भद्दी गलियां दी। SHO की तत्परता दिखाने पर ही दरोगा ने घायलों को करंजाकला अस्पताल ले जाने को कहा। लिखा पढ़ी के नाम पर घायलों को घंटे भर थाने के बाहर रोके रखा गया। इस दौरान जख्मी महिलाएं बच्ची दर्द से कराह रहे थे। काफी देर बाद उन्हें उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करंजाकला भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने किताबुल निशा व हकीकुल निशा की हालत गंभीर देखते हुए जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। दरोगा के एक पक्षीय रवैये से ग्रामीणों में गुस्सा है। लोगों ने पुलिस अधीक्षक दरोगा की कार्यशैली की जांच कर कार्यवाही की मांग किया है। सर्कल भारत की रिपोर्ट। क्या नाम? आलमगीर। क्या हुआ था? हुआ था, हम नमाज पढ़ने गए थे, आए तो कुछ लोग रूसी और जो है और लोग फालतू आए थे, बुलाए थे, मारपीट करे, डंडा लाठी सब है, महिलाओं को सबको मारे, दौड़ा के 9 लोग को घायल किए और पुलिस को इत्तला दी गई। घर में भी तोड़फोड़ किए? घर में भी तोड़फोड़ किए, सब जो अद्धा अद्धा वहाँ अभी पड़ा हुआ है अद्धा। पुलिस आई तो क्या हुआ? पुलिस आई तो हमको लोग कोई बोले गाली दे रही थी कि नकल की हुई हो।